सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अने अयोध्याना हनुमानगढ़ना महंत राजू दासे एकबीजाना समर्थकों पर हुमलानो आरोप लगाव्यो छे। बन्ने एक टीवी चैनल एक कार्यक्रम में भाग लेवा गया हता। आ दरमियान स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ पोलिस कमिश्नर ने फरियाद पत्र लख्यो छे, जेमां लख्यु छे कि राजूदास महंत दास अने तेमना साथीओए स्वामी प्रसाद मौर्य पर तलवार अने कुल्हाड़ी वडे हुमलो करवानो प्रयास कर्यो हतो। अहीं सोशल मीडिया पर पण एक वीडियो वायरल थयो छे, जेमां राजूदास महंत अने स्वामी प्रसाद मौर्य ना समर्थकों एक बीजा साथे लड़ी रहा छे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अने हनुमानगढ़ना महंत राजूदास 15 फेब्रुआरी एक टीवी चैनलना कार्यक्रम माटे लखनऊनी ताज होटल पहोंच्या हता। बन्नेनो आरोप छे कि त्यांथी निकळती वखते तेमना पर हुमलो करवानो प्रयास करवामां आव्यो छे। स्वामी प्रसाद मौर्यए पोताना फरियाद पत्रमां लख्यु छे कि ताज जेवी होटल ज्यां सुरक्षानी आटलू ध्यान राखवामां आवे छे, मोबाइल अने लोकोनी चेकिंग करवामां आवे छे, आवी स्थितिमां राजूदास अने परमहंस दास बन्नेना समर्थको तीक्ष्ण हथियारो लईने होटलनी अंदर मारी राह जोई रह्या हता અને બહાર નીકળતા મારા પર હુમલો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, આ મોટું ષડયંત્ર છે। થોડા દિવસ પહેલા સ્વામી પ્રસાદ મોરે રામચરિત માનસને લઈને વિવાદિત નિવેદન આપ્યું હતું, જેની સામે મહંત રાજુદાસે પણ એક નિવેદન આપ્યું હતું। તેમણે કહ્યું હતું કે સ્વામી પ્રસાદ મોરેનું જે પણ સર કલમ કરી આપશે તેને 21 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ આપવામાં આવશે। અભી તક તો અખિલેશ યાદવ કહ રહે થે કે હમ કિસી ભી ધર્મ કા અપમાન નહીં કરતે, લેકિન સ્વામી પ્રસાદ મોરિયા કા જો જહરીલી બોલ, लगातार साधु संतों को आतंकी कहना, अपशब्द कहना, ब्राह्मणों को गाली देना, हमारी जो रामचरित मानस है उसके बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करना, और लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरित मानस की प्रति जो जलाई गई है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का डिमोशन के बजाय आपने प्रमोशन कर दिया, तब आपका पूरा परसा है अखिलेश जी, और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, आपने महासचिव बना दिया। इसके नाते साधु संतों में रोष है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, साधु संतों को ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सरतन से जुदा करेगा उसको राजूदास 21 लाख का इनाम देंगे। इसके साथ साथ सरकार से हम मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसने रामचरित मानस की प्रति जलाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू जनमानस खुद उन लोगों पर कार्रवाई करेगा।